दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर एक ऐप है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ में लेते हैं, जिसका नाम है जार ऐप, जिसमें कि आप डेली सेविंग कर सकते हैं 10 रुपये रोज़ या 20 रुपये रोज़ या 50 या 100 या 200 रुपये रोज़ तक आप इसमें डेली सेविंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसमें मैनुअली भी आप गोल्ड खरीद के इसमें आप इसको रख सकते हैं होल्ड पर, या फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए आप किस तरह से जार ऐप आप लोगों को पागल बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा मैंने कि जार ऐप किस तरह लोगों को पागल बना रहा है। दोस्तों, मैंने जार ऐप पर आज से 2 महीने पहले से मैंने डेली सेविंग यूज़ की थी जार ऐप पर, जिसमें 200 रुपये डेली की सेविंग थी। तो मेरे जार ऐप पर पैसे इकट्ठे होते जा रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने मैनुअली गोल्ड परचेस करा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पर मैनुअली गोल्ड परचेस करा, जिसमें एक बार मैंने इसमें 19,000 रुपये, एक बार मैंने इसमें 8,000, फिर एक बार मैंने इसमें 10,000, ऐसे करके मैंने इसमें 40,000 रुपये का गोल्ड परचेस किया। गोल्ड परचेस करने के बाद जैसे मैंने इस पर विड्रॉल किया, तो विड्रॉल करने के बाद में मेरे पहले तो जार वालों ने मेरे अकाउंट से 1,500 रुपये काटे। फिर उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम जब मैंने विड्रॉल किया, तो सेकेंड टाइम पर इन लोगों ने मेरे अकाउंट से 3,000 रुपये काट लिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं आप स्क्रीन शॉट भी मैं आपको बता दूंगा कि जार ऐप ने किस तरह से मेरे साथ फ्रॉड किया है, और ये आप लोगों को भी फ्रॉड के जाल में फंसा रहे हैं, ये किस तरह से हमारी जेब ढीली कर रहे हैं, ये हमें पागल बना रहे हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने ऐड के लिए, इन्होंने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टरों से इनका ऐड करवा रखा है और ये लोगों को पागल बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, हमारा पैसा ये हड़प लेते हैं। ये ऑनलाइन टैक्स के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, ये बोलते हैं ये सिर्फ 3% GST लगता है, उसके बाद में इन्होंने मेरे 40,000 के अमाउंट पर इन लोगों ने मेरे अकाउंट से 4,000 रुपये काट लिए, जिसका कोई कहीं से रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनका कॉन्टैक्ट सपोर्ट कुछ भी नहीं है, कस्टमर केयर के लिए कुछ नहीं करते, ना इनके कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप कॉल करके इनको बता सकते हैं, और सिर्फ ईमेल है। ईमेल पर मैंने मेल डाल दिया है, उसके बाद भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना कोई मैसेज आया। ये लोग सिर्फ हमें पागल बना रहे हैं। जार ऐप के बारे में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने जार ऐप डाउनलोड किया हुआ है या आप इस्तेमाल में लेते हैं, तो आप उसे डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ये हमारे अकाउंट से हमारा बैलेंस काट लेंगे। ये ऐसे ही लोगों के अकाउंट से पैसे काट काट के ये अपने करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और किस तरह से ये भारतीय लोगों को पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों, जार ऐप को बिल्कुल भी डाउनलोड मत करना, इसको डिलीट कर देना, इसको बिल्कुल भी यूज़ में मत लेना। थैंक यू।